काला चश्मा लगाए इस गांव में क्या कर रहा हूं। बात आपकी जायज होगी कि नेता काले चश्मा पहन के विकास के दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हर गांव में विकास हो गया है और सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है और कांग्रेस का भी नारा है। इस समय हम मौजूद हैं सीधी जिले के सियावल विधानसभा में, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का ये संसदीय क्षेत्र आता है, विधानसभा क्षेत्र आता है, संसदीय क्षेत्र भी आता है रीति पाठक का, जहां बड़े बड़े दावे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कि हमने हर गांव में हर सुविधा मुहैया करा दी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलता है। इसलिए हम आपके पास इस बार आए हैं नेताजी का विकास का पोल खोलने के लिए। ग्राम पंचायत ये कहला जाता है कुरौली कला, और हम जहाँ पे मौजूद हैं ये कहलाता है ग्राम अतरैला। मेरे सामने देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं हैंडपम्प से पानी भर कर लाते हैं तो अपने पीने का व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था करने के लिए फिर उनको सोन नदी, यहाँ पे नज़दीक सोन नदी है तो वहाँ पर वो नहाने की व्यवस्था करने जाते हैं। मेरे साथ में एक बच्ची खड़ी है, मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आप पानी कहाँ से लेकर आए। आपका नाम क्या है? शांता कुमारी केवट। ये अभी आप जो बाल्टी से पानी लेकर आ रही, साइकिल से लेकर आ रही, कहाँ से लेकर आ रही? जो कहाँ से लेकर आ रही हूँ। जो कहाँ से, कितने किलोमीटर होगा दूरी? 2 किलोमीटर है। कितने दिन से ये समस्या हो रही है? बहुत साल से, जब से हम पैदल लिए जब से वहीं से पानी आ रहा है। जब से आप पैदल लिए तब से? हाँ। तो नेताजी आपके यहाँ वोट मांगने सरपंच आते होंगे, विधायक आते होंगे, सांसद आते होंगे, कभी आपने बताया नहीं उनको? सभी को बताए, सब सुनते हैं, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है तो कहाँ कौन है, कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कोई पता नहीं। मतलब जब वोट लेने को होता है जब हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं। इस बार फिर से तो मान लीजिए अभी चुनाव है, तो इस बार चुनाव है फिर से तो वोट मांगने आपके पास में आएंगे? आएंगे, लेकिन वही हाल होगा। क्या कहेंगे आप उस बार आएंगे तो? आएंगे तो क्या कहेंगे? यही बोलेंगे पानी का यहाँ पे कष्ट है, लेकिन यही बोलेंगे जिताओ मैं कष्ट दूर करूंगी। आप क्या करेंगे इस बार? इस बार अब क्या करेंगे, अब जो आगे यहाँ के लोग सोचे। आप भी अगर सोचेंगे तो मांगे नेताजी आएंगे तो क्या इस बार वोट देना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो? नहीं देना है। वोट नहीं देना? नहीं देना है। साफ तौर पे कहना है कि इस बार वोट नहीं मिलेगी। मेरे साथ में और लोग भी खड़े हुए हैं। आपका नाम? अतरैला। आपका नाम? अतरैला है। रामस्वरूप केवट। हाँ। कितने गांव की बस्ती है यहाँ पर? यहाँ होगा कम से कम 150। 150 गांव की बस्ती होगी? 300। हाँ 300। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग पानी के लिए वहीं जाते हैं? सब वहीं जाते हैं। तो कभी जब नेता या मंत्री मिनिस्टर आते हैं तो आप लोगों ने कभी नहीं कहा? यहाँ आते ही नहीं है तो क्या कहेंगे? यहाँ आते नहीं, चुनाव के टाइम सरपंच से आपसे कहे कभी? सरपंच से कहते हैं कोई सुनते ही नहीं है। कोई सुनता नहीं है? सरपंच तो रोज आ रहे हैं जा रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि सरपंच भी आप नहीं सुनते हैं। जो पानी पीने के मुंह में नहीं है तो हम लोग लैटरिन में जाएं। सुन लीजिएगा महिला की बात आप। जी बताएं। बोलते हैं लैटरिन बन गया है ना, बोलते हैं आप लोग लैटरिन निस्तार करो, जो हम लोग के मुंह में डालने के पानी नहीं है तो हम लोग लैटरिन कैसे जाएं? हाँ बोलिए तो। यहाँ से देख सब कोई जाएंगे, वहाँ जाते जाते विसर्ज हमारे घर में आके सब देखे व्यवस्था। हम साहब बोले नमकीन देंगे, बिस्कुट देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी आपको नदी जाना पड़ेगा। किनको बोला था आपने? वो जो आए थे विधायक जी। हाँ सुनिएगा एक बात और, यहाँ पर मजे कर देने वाली है। अभी सांसद में ही अभी सामने पर ही एक चुनाव था, तो विधानसभा चुनाव पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की पत्नी जी आई थी, प्रीति पटेल जी आई थी। तो उनको इन्होंने कहा कि हम आपको नमकीन खिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे पानी? जब हमारे देश में है ही नहीं पानी तो हम देंगे कहाँ से? आप तो पानी की सुविधा नहीं किए हैं तो कहाँ से हम देंगे? क्या जवाब रहा उनका? जवाब क्या कुछ ठीक है, हम जीत जाएंगे तो आप लोग को घर घर टोटी दे देंगे। टोटी में खूब लोग हम लोग पी रहे हैं पानी, अब तो हम लोग यहाँ आने को कोशिश नहीं कर सकती है। सांसद आपके गाँव में कितने बार आई है? एक बार आई है। सांसद को जानती है? क्या नाम है सांसद का? कौन सांसद? रीति पाठक। चुनाव में आई थी, चुनाव में आई सबको घर घर। हाँ घर घर। हाँ घर घर आए थे। आप पहचानती हैं सांसद जी को? हाँ उनके साथ वहाँ पर हम लोग गए थे पछिया का। हाँ देखे खेत वाई देख लिया। जब से जीती क्या आपके यहाँ पर आई? कोई झांकने नहीं आया कि कैसा तरैला गांव है तो वो आने के लिए। फिर से आ गया? हाँ फिर से आ गया। तब से आ जाए तो उनको बैठने के नहीं देंगे कि बोलेंगे क्या हम लोग? तो इस बार क्या है, इस बार आपने क्या मूड बनाया है? हम लोग मूड का बना जो सुविधा हम लोग गाँव में आगे कर देगा उसके पाछे में हम लोग उसको वोट देंगे, ये बता दिए।
पहले सुविधा पाइए, बाद में वोट लीजिए। साफ तौर पर अतरेला वासियों का कहना है कि पहले सुविधा पाइए फिर वोट लीजिए। बेटा तुम भी जाते हो पानी लेने के लिए, देखिए सामने मेरे आप देख सकते हैं ये सब बाल्टियां रखी हुई है और पानी लेने के लिए अभी जाएंगे और पानी के लिए कितने दूर जाएंगे ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कहने को तो इस गांव में 3 हैंडपंप है, लेकिन तीनों हैंडपंप में पानी की पोजीशन क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये हैंडपंप है, ये लगभग कितने फीट होगा, ये 250 फीट बोर्ड खोदा गया है, लेकिन 250 फीट में कितना निकलता है पानी, 2 या 3 बाल्टी, और 2 या 3 बाल्टी निकलने के बाद फिर स्थिति इतनी निर्मित हो जाती है कि फिर यथावत बोर को रोकना पड़ता है, हैंडपंप को रोकना पड़ता है, उसके बाद जाकर पानी निकलता है। ये देखिएगा सामने एक महिला हैंडपंप में पानी मार रही है, थोड़ा मारिए कितने देर में पानी निकलता है इसमें, बहुत देर में निकलेगा, आधी बाल्टी। कितने देर में, 2 से 3 घंटे बाद। देखिएगा 2 से 3 घंटे बाद पानी निकलता है, साफ तौर पर कहना है। ये देखिए बाल्टी लेके खड़े हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, सबने अपनी अपनी बाल्टी लगा दी है। अब जिसको मिलेगा आधे घंटे बाद, वो आधे घंटे बाद एक बाल्टी पानी लेकर जाएगा। अगर उसको 2 किलोमीटर नहीं जाना है, अपने यहाँ पर निस्तार करना है, तो स्थिति ये रहेगी। ये 3 हैंडपंप ग्राम पंचायत में है अतरैला में। देखिएगा पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर लोग नेता वोट के लिए तरस रहे हैं। सीध साफ तौर पे आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और वोट मांगने चले आएंगे न जहाँ पे, लेकिन विकास की बात करना होगा तो यही कहेंगे कि मुझे जिताइए मैं आपका विकास करूँगा। एक बात गौर करने वाली ये है कि ये विधानसभा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, चाहे वो स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी रहे हों, चाहे उनके पुत्र कमलेश्वर पटेल जी रहे हों, हमेशा यहाँ पर कांग्रेस ही विजय रही है। एक बार यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा, विश्वामित्र पाठक यहाँ से विधायक रहे भाजपा से, और सांसद श्रीमती रिद्धि पाठक रहीं, वोट मांगने तो आईं लेकिन विकास देखने नहीं आए। विकास का बड़े बड़े दावे जो है मंच पर जरूर कहा जाता है कि यहाँ हमने सबके यहाँ शौचालय बनवा दिया, पीने के पानी की व्यवस्था कर दी, लाइट की व्यवस्था कर दी, शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन ये बताया जाए कि ग्रामवासियों को जब पीने का पानी नहीं है तो वो शौच के लिए पानी कहाँ से लाएंगे, एक बड़ा प्रश्न होता है, बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ मुंह से कहने से ही विकास हो जाता है। ज़मीन पे आइए नेताजी, ज़मीन पर देखिए कि विकास किसे कहते हैं और कहाँ कहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं सियावल विधानसभा अंतर्गत कुरौली कला ग्राम पंचायत में, उसके अंतर्गत गांव आता है ये अतरैला, जहाँ पे केवटान की बस्ती है, यहाँ पे कम से कम 200-300 लोग व्यक्ति रहते हैं जो इंसान कहलाते हैं। नेताजी सिर्फ वोट ना मांगिए, विकास भी करिए। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं। एक बूंद पानी की कीमत क्या जानो नेताजी, आइए हम आपको दिखाते हैं। दूसरे नंबर का हैंडपम्प है ये, यहाँ पर देखिएगा बाल्टी लगी हुई है, यहाँ पे सब लगाए हुए हैं, कोई 3 बजे रात से लगाया है तो कोई 4 बजे लगाया है। इसमें 2 से 4 बाल्टी पानी आती है, 2 से 4 बाल्टी पानी आने के बाद में फिर इंतज़ार करना पड़ता है दूसरे नंबर का। कई बार यहाँ पर पानी को लेकर झगड़ा भी हो चुका है, मारपीट भी हो चुकी है। ये है नेताजी का विकास। चलाइए कितना पानी निकलता है इसमें, निकलता है 2-3 बाल्टी करीब है, कितना पानी निकलता है है? एक घंटा में 2-3 बाल्टी निकला था। 1 घंटा में 2-3 बाल्टी, कितने बजे रात से लगाए हैं आप? 12 बजे रात से। कितनी बाल्टी पानी ले जा चुके हैं अभी? 3 बाल्टी ले गए हैं। 3 बाल्टी, हाँ। दूसरे का नंबर जब आता है तो फिर क्या करेंगे? अब पता नहीं, जब 5 जम तला गए हैं, जो ये पाते हैं वो लेकर जाते हैं। साथ में और लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये डब्बे पे डब्बे चले आ रहे हैं और देखते हैं कब तक इनको पानी मिल पाता है। कौन है यहाँ पर, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार केवट जी। ये हैंडपम्प से कितना पानी आता है? हैंडपम्प से सर पानी आता है तो एक घंटा में 2-3 बाल्टी निकलता है, जो पहले आ गया तो पा जाता है, नहीं तो नंबर में खड़े रहते हैं। मान लो किसी को ज़रूरत है, एक बाल्टी दे दो, कोई आ गया, आप ही आ गए पानी पीने के लिए कि हमको अर्जेंट है, तो बोलते हैं नहीं देंगे, इसलिए लड़ाई झगड़ा चलते रहता है पानी के लिए। हाँ। पानी की लड़ाई भी झगड़ा होता है जी। कभी आपके यहाँ पर विधायक और मंत्री आए जो बने हुए यहाँ पर? आते हैं सर, लेकिन बोलते हैं कि पानी करवा देंगे हैंडपम्प, असल में पानी तो यहाँ है नहीं। हाँ। यहाँ वाटर सप्लाई की जरूरत है, वाटर सप्लाई बहुत नीचे है तो फिर पूरा गाँव का निस्तार में कितने हैंडपम्प है यहाँ पर?
उस टोले में है एक दो हैंड पंप, दो तीन मतलब टोला में है, उस टोले में मिलता है पानी, इस टोले में नहीं मिलता है। मेन प्रॉब्लम इसी टोले का है, इस टोले पे नहीं है। यहाँ कितनी आबादी होगी, यहाँ पर कितने घर होंगे? मतलब 200-300 होंगे लगभग। 200-300 जी, 200-300 की संख्या यहाँ पर सीधे सीधे बताई जा रही है। कुछ महिलाएं भी, आप आग बनवाई है क्या माता जी? हाँ, हाँ, आँख बनवाए हैं। हाँ, आँख बनवाए। उसके बावजूद ही पानी लेने आए हैं तो क्या करे साहब? नहीं मिला तब यहीं बैठे रहे थे कि मिल जाए, क्या करे? मिलता है पानी? पानी जब नंबर आएगा तो देगा, देगा नहीं जाओ लौट के जाओ घर। फिर क्या करते हैं? फिर नदी जाते हैं। नदी यहाँ से कितना दूर है? नदी हाँ लेके आते हैं 2 किलोमीटर से। नेता जी आपके यहाँ नहीं आते हैं? ये नेता पेता आवा था साहब, चले जाते देख देख सब। सांसद को जानती हैं? जो सांसद चुनाव फिर से लड़ी हैं भाजपा से, हाँ जानती हैं? कभी आई हैं आपके गांव? नहीं आई। देखिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। आपका नाम? अमृता। अमृता, किस गांव से हैं आप? अतराइला। अतराइला से हैं? हाँ। पानी की यहाँ कितनी समस्या है? पानी बहुत समस्या है। 3 बजे से लाइन लगा रहे तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी मिली, फिर जो है बैठा रहा। हाँ तो जो नंबर से मिल गया तो मिल गया, नहीं होगा बैठा रहा नहीं हुआ, जाएंगे सब रोड पर से लाएंगे। यहाँ से रोड कितना दूर होता है? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाँ। साइकिल से लेके आते हैं लेडीज लोग, साइकिल से लेकर। हाँ। जैसा कि आपने देखा था साइकिल से भी लेकर आते हैं। एक जन और खड़ी है, डब्बा लेके आई है। कहाँ से आई हैं आप? ये घर है, यहीं पे घर है। हाँ। पानी के लिए आई हैं? हाँ। पानी तो इस हैंड पंप में नहीं निकलता है? नहीं निकलता है पानी। तो फिर क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे पानी? पानी साहब लोग दे, हमारे कहाँ पाई। कौन सा आप देंगे पानी? साहब अपना दे। अरे हम लोग कहाँ से देंगे पानी, आपकी बताइए। आपने सरपंच बनाया, आपने सांसद बनाया, आपने विधायक बनाया, तो क्या कभी आपके यहाँ नहीं आते वो? क्या नहीं आते हैं हमारे पास हैं? तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगे, लोकसभा का चुनाव है, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमारा न दे वोट है के उनकी, किसी को नहीं देंगे वोट? नहीं को, क्या करी पानी बाहर मारी लाए तो क्या करी? साफ तौर पे कहना है कि नेता जी आइए, पानी पीजिए, नाश्ता करवाएंगे, उनके बिस्कुट खिलाएंगे, नमकीन खिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। साफ तौर पे कहना इनका ये है कि पानी दीजिए और वोट लीजिए। अभी यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी कांग्रेस से टिकट पा चुके हैं। सांसद बीजेपी के तौर पर माना जा सकता है रीति पाठक को दोबारा टिकट मिला है, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का ये क्षेत्र है, ये उनका गांव कहला जाएगा। उनके पिताजी भी यहां पर रह चुके थे और वो भी यहां पर मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी हैं और साथ में मंत्री भी हैं। और स्थिति ये है कि आज ये करौली कला में ये ग्राम पंचायत आता है करौली कला, और ये गांव मोहल्ला टोला आता है आपका अतराइला, जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए तरस है। नेताजी कब मिलेगा पानी, जनता पूछ रही है कब मिलेगा पानी। हम उनका जवाब भी जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि कहां कितने दूर से स्थिति से पानी लेकर आते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। दुखड़ा ब्याह करने के लिए एक महिला हमारे साथ गाँव में मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती। पार्वती जी, ये बताइए इस गाँव में क्या समस्या है? समस्या है पानी के लिए, बहुत परेशानी है। देखिए अतरैला गांव में बहुत परेशानी है, 2-3 किलोमीटर जाते हैं पानी लेने। हम लोग जाते हैं साइकिल लेकर जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर जाते हैं, बताइए। गाड़ी है, घोड़ा है, कहीं कट हो जाए फिर क्या करें, बताइए। नेताजी आपके यहाँ कभी आते हैं? आपने कभी नेताजी कोई समस्या बताई आपने? नेताजी आते हैं सर और बोलते हैं कि आप लोग पानी की सुविधा करिए, वो बोलते हैं खो जाएगा यहाँ, फिर के फिर झांकते नहीं है कि हम चले यहाँ भेज दे, वहाँ भेज दे, कुछ भी नहीं। हर 5 साल में तो यही स्थिति होती होगी, हर 5 साल में सिर्फ आश्वासन मिलता होगा आपको, तो आप लोग इस बार क्या करेंगे, वोट देंगे कि नहीं देंगे? पानी मिलेगा हमारे गांव में, सुविधा होगा तो हम देखिए देंगे, अगर नहीं सुविधा होगा किसी चीज को तो हम नहीं देंगे। अब कैसे, पूरी जनता आचार संहिता लगी है, आपको सिर्फ आश्वासन वो देंगे कि इस बार जिताइए, जिताने के बाद हम आपका काम करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को तो चुनाव होना है। अब तो वो सिर्फ आश्वासन ही आपको दे सकते हैं कि भाई बोर हो जाएगा फिर हम करवा देंगे और पानी की सुविधा हो जाएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इस बार फिर क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उनको आप? नहीं सर, पहले हमारे यहाँ पानी हो जाए इसके बाद हम वोट देंगे। देखिए साफ तौर पर कहना है इनको कि पहले पानी दीजिए फिर वोट लीजिए। साफ तौर पर इनका कहना है। मेरे साथ में एक व्यक्ति और हैं, आप
आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम दोराव से हूँ। दोराव यहाँ से कितना दूर पड़ता है? दोराव यहाँ से 500 मीटर है। 500 मीटर। इस गांव की स्थिति क्या है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल फोल खोल को धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। आप जनता की सेवा के लिए उनके बीच में जाते हैं, समस्याओं को उजागर करते हैं, क्योंकि यहाँ गरीब जनता को कोई सुनने वाला तो है नहीं। नेता आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, वादे पूरे करके, और जैसे ही उनका डिक्लेयर हुआ हारे या जीते, फिर से यहाँ आना नहीं है। नेता जी आते हैं और जीतने के बाद फिर दोबारा नहीं आते? दोबारा नहीं आते हैं, कोई समस्या देखते नहीं है, क्या परेशानी है। यहाँ के अभी जो महिला बताई हैं, जन बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ। मैं यहाँ डेली अमिलिया रोज स्कूल जाता हूँ, तो उसी समय देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, पूरे जन बच्चे परेशान हैं। और मवेशियों के लिए तो चलिए नदी वही है, अपने चले जाएंगे पी लेंगे, लेकिन यहाँ मतलब निर्वहन के लिए पानी पीने के लिए तक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तीन तीन चार चार हैंडपम्प हैं, जो कि पानी का लेयर बिल्कुल सूख चुका है। पानी की कई बार सुविधा के लिए इन्होंने वाटर शेड से घर घर पानी पहुँचाने का वादा किया, लेकिन यहाँ तक आज तक पानी नहीं पहुँचा। ये लोकसभा चुनाव भी सामने आ गया है जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों डंका पे चोट रही हैं, वोट मांगने के लिए आ रही हैं जी, क्या कहेंगे इस विषय पर अब? यहाँ यही कहना है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बता रहे हैं जीत के बाद बस आश्वासन देंगे, और इस जब तक वोट नहीं पड़ता है तब तक वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके बाद जो है तो वो फिर रास्ते भूल जाते हैं कि अतैला कोई गाँव भी है हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कि नहीं है। तो समस्या दूर करने की तो बात छोड़ दीजिए, उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का क्षेत्र भी है, यहाँ से उनके पिता भी कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो क्या कभी इस समस्या को लेकर वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया? कई बार पहुँचाया गया, कई बार जनता यहाँ के बुजुर्ग और ये जो मतलब हमारे सरपंच के माध्यम से भी कई बार कहा गया। अब चूंकि अब ये तो हम देखिए टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, स्वभाव पर बात नहीं करेंगे, पर यह है कि उनका जो कर्तव्य है, जो वो वादा करके जाते हैं और अगर वोट पाते हैं वो, तो फिर जनता का ध्यान देना चाहिए। साफ तौर पर इनका कहना ये है कि नेता जी आते हैं, आश्वासन की पोटली खोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि 5 साल में आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये आश्वासन देकर चले जाते हैं, और उस पोटली को 5 साल वो बांध कर रख लेते हैं, फिर दोबारा उस गांव में नहीं आते हैं, दोबारा उस क्षेत्र में नहीं आते हैं, दोबारा उस समस्या से रूबरू नहीं होते हैं, 5 साल में फिर लौट कर आते हैं और फिर वही पोटली को खोलते हैं, और रटा रटाया जवाब रहता है कि इस बार वोट दे दीजिए, और वोट देने के बाद हम आपकी मूलभूत सुविधाओं को दूर करेंगे, या सारी सुविधाएँ हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, हम दूर कर देंगे। तो देखना दिलचस्प होगा, जिस प्रकार से गांव वाले ने साफ तौर पे कहा कि पानी दीजिए और वोट लीजिए नेताजी, तो देखना होगा कि इस बार क्या होता है, क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक आते चला जा रहा है। नेता तो आएंगे आपके गांव में, नेता वोट मांगने जरूर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा कि स्थिति बदलती है या नहीं बदलती है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव गुप्ता, आप देख रहे थे पोल खोल पोस्ट। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।